नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियड. ओके, सो इन दिस वंस थाउजेंड एंड लाख, लाख में पीरियड्स को अरेंज किया गया है. तो वंस की कैटेगरी में हम देखेंगे वंस, टेंस और हंड्रेड को ग्रुप किया गया है. तो वंस में कितने डिजिट है? एक डिजिट है. टेंस में दो डिजिट है. हंड्रेड में थ्री डिजिट है. इसी तरीके से एक ग्रुप है थाउजेंड का, उसके अंदर आता है थाउजेंड और टेन थाउजेंड. यानी थाउजेंड में आती हैं फोर डिजिट और टेन थाउजेंड में आती हैं वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट्स आती हैं. इसी तरीके से एक ग्रुप है लाख का, इसके अंदर एक लाख वन लैख. तो इसके अंदर कितने डिजिट आएंगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो ये सिक्स डिजिट आएगी. इन अबव टेबल सिक्स प्लेसेस आर ग्रुप्ड इन थ्री पीरियड्स थाउजेंड वंस थाउजेंड एंड लैख. यानी वंस में हंड्रेड टेंस और वंस, थाउजेंड में टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड, एंड लैक्स में वन लैख. ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर बुक. क्वेश्चन नंबर टू, राइट द न्यूमरल 25,006. यानी यहाँ पर नंबर नेम के रूप में हमको दे गई है, तो हमको यहाँ पर इसकी संख्या यानी डिजिट्स के रूप में लिखना है 25,006. तो ये हो गया 25,006. यानी सिक्स जो है वो वन की प्लेस पे आ गया हमारा, ठीक है. और हंड्रेड और टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं, और ये 25,000 हो गया. इसी तरीके से वन लाख, वन लाख में कितने डिजिट होती है? सिक्स. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है. 8,009. तो ये हो गया हमारा 8,009. ओके, 8,009. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ योर बुक, राइट द प्लेसेस ऑफ थाउजेंड पीरियड. यानी थाउजेंड पीरियड में कौन कौन सी प्लेसेस आती है. तो हमने जो आगे टेबल बनाया था उसमें हम देखते हैं कि पहली प्लेस तो होती है हमारी थाउजेंड की, और दूसरी प्लेस होती है टेन थाउजेंड की. तो ये पीरियड और प्ले थाउजेंड में प्लेसेस होती हैं थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द पीरियड एंड प्लेसेस फॉर द अंडरलाइन बोल्ड डिजिट. यानी इनका पीरियड भी लिखना है और इनका प्लेसेस भी हमको लिखना है. तो 40,528 में हमको फाइव का पीरियड और प्लेस बताना है. तो इसका क्या हो जाएगा? पीरियड तो हो गया, ये वंस का पीरियड में आएगा. क्यों? क्योंकि हंड्रेड टेंस और वंस किस में आते हैं? वंस के ग्रुप में आते हैं. और प्लेस कितनी है उसकी? हंड्रेड. नेक्स्ट, इसी तरीके से 12,582. तो इसमें हमको किसकी बतानी है? वन की. तो पीरियड तो कौन सा हो गया? ये थाउजेंड हो गया. और प्लेस क्या हो गई? 10,000, ठीक है. क्यों? 12,000 है, इसलिए ये कौन सी प्लेस पे हो गया? वन. टेन थाउजेंड की प्लेस पे आया. Now exercise 1.4 of your book. ठीक है, filling the boxes with the greater than and less than. Okay, so हम अब यहाँ देखेंगे 24,540 है, ठीक है. और ये है 3,458. ये 24,000 और ये 3,400 है. तो बड़ा कौन सा हो गया इसमें? 24,000. थर्ड क्वेश्चन है इसी का 42,523 एंड 32,599. तो इसमें क्या बड़ा है? 42 और 32. तो 42,523 जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है. अब 4,569 एंड 24,682. तो इसमें क्या बड़ा हुआ? 24,682 जो है वो बड़ी संख्या है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी इसमें हमको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है. तो 45,328, 45,825, 33,427, 31,848 एंड 44,000, ठीक है.
तो सब स्मॉलेस्ट डिजिट हम सबसे पहले ढूंढेंगे, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई हमारी 31,848 और बिगेस्ट डिजिट हो गई 45,828, ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर विच इज वन लेस देन वन लैख, यानी एक लाख से एक संख्या कम। तो एक लाख में अगर हम वन माइनस करेंगे तो आएगा 99,999, ये हमारी एक संख्या लेस हो गई। रिमेनिंग क्वेश्चंस दोनों एक्सरसाइज के आपको होमवर्क में करने हैं, कॉपी में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस।